ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार का यह दिव्य प्रांगण आप सभी को यह संदेश दे रहा है कि आप भी आइए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान हम योग के प्रयोग के द्वारा करते हैं। छोटी बगल में देखो, पैर खोलो और ध्यान रखिएगा। आप भी करिए बाबू, कमर में दर्द है तो वो करिए, साइड में जो खड़े होकर कर रहे हैं बैठ के। हाँ, बगल में उनको देखते रहिए, गर्दन गिरा दीजिए पीछे की तरफ, होल्ड करेंगे 4-5 सेकेंड और करते जाइए। माथा सटाई देखिए कितना बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो रहा है बहन जी का। 2-3 दिन तो ये परेशान रहे कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज देखिए प्रभु की कृपा इनके ऊपर बरस रही है और धीरे धीरे शंकर जी नज़दीक हो रहे हैं। माथा लग जाए तो हो गया काम। चलिए सटाइए, बहुत सुंदर, 25 बार करिए। आप भी बाबू इसको करिए। हाँ, इसका नाम है उष्ट्रासन, बहुत सुंदर। थोड़ा सा रोकना है, 5-4 सेकेंड आँख बंद करके या खोल के भी कर सकते हैं। गर्दन को पूरा लटकने दीजिए, छोटू पूरा सपाट पर हो आगे की तरफ, पेट भी सटना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि अचानक रोकेंगे ज़्यादा। 1 सेकंड रोकेंगे सीधा हो जाएंगे, 2 सेकंड रोकेंगे सीधा हो जाएंगे। आपको कमर दर्द नहीं ना है तो करिए इसको, अभी तो मैं शुरू कर रहा था, अभी तो मैं इसका 1 राउंड अभी तो डेमो ही दिलवा रहा था। चलिए, चल छोटी पैर खोलो फटाफट, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे फटाक से, 25-25 बार, 50 सेकंड लगता है बहन जी, टाइम कहाँ लगता है इसमें। जल्दी करिएगा तो 25 सेकंड में 50 बार, क्या आधो मिनट नहीं लगे। चलिए फटाक, 1, 2, 3, 4। देश भर के लोगों से मैं यही आह्वान अनुरोध विनती कर रहे हैं कि भैया आप योग करिए, निरोग रहिए, योग करिए निरोग रहिए। अब तो मैं गांव में भी जाना शुरू कर दिया हूँ फिर से। मैं तो 20 सालों से गांव में जाता ही था, लेकिन मैं कल इधर गया तो मैं गांव में जाकर के देखा, पूछा तो लोग योग के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। योग का तो कुछ लोग नाम भी अभी नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि बहुत प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गांव गांव में जाना होगा, अपने लोगों को बताना होगा कि आप योग करिए, स्वस्थ रहिए। मैं कल गया एक गांव में तो एक व्यक्ति आ रहे थे दूध लेकर के कहीं बेचने के लिए। मैं उनको देखा तो उनका पैर टेढ़ा था। मैं पूछा कि भैया क्या कोई दिक्कत है क्या आपको, तो बोले बहुत अपना बीमारी गिनवाने लगे, बीपी है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, मन नहीं लगता है, शुगर है, क्या क्या बताया बहुत सारा। बोले कि बाप रे बाप, ये तो लिखना पड़ेगा कॉपी पर कौन कौन बीमारी। बोले कि अच्छा, एक बीमारी के बारे में मैं आपको धीरे धीरे शुरू कराऊंगा और ठीक हो जाएगा, छोड़ दीजिए धीरे धीरे।